हेलो दोस्तों, आज तारीख है 17 सितंबर 2022। आज उस व्यक्ति का जन्म है जिसने अपने बचपन में बहुत ही संघर्ष किया। इन्होंने अपना सफर एक स्टेशन पर चाय बेचकर शुरू किया और आज ये भारत के प्रधानमंत्री है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अरबाज और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर असीम होने वाले स्वतंत्र भारत के जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बड़नगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल भी चलाया। 8 वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारतवर्ष की यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों पर गए। 1970 में गुजरात लौटे, उसके बाद वे अहमदाबाद चले गए। 1971 में वे आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकालीन की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के पदानुसार भीतर काम करते रहे, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद तक पहुंच गए थे। अपने माता पिता के 6 संतानों में तीसरे पुत्र थे नरेंद्र। नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बटाया। बड़नगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिता में उनकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उनकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाओं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की शादी जशोदा बेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वह मात्र 17 साल के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय के बाद वह दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। नरेंद्र मोदी जी का कहना है, उन दोनों की शादी जरूर हुई परंतु वह दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त हो गया। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने वाले नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। नरेंद्र मोदी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार, बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। हालांकि नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जशोदा बेन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है।